तो देवियों और सज्जनों, क्या आप इस रोमांचकारी सफर के लिए तैयार हैं? लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस, हाउ टू गेन दिस डीपर वॉइस। इस डीपर वॉइस को गेन कैसे किया जाए, जिस प्रकार मैं अभी अपनी वॉइस को डीप कर पा रहा हूँ। मैं एक्चुअल में ऐसे बोलता नहीं हूँ, मेरी आवाज़ एक्चुअल में ऐसी है, नॉर्मल सी, लेकिन मैं इसको डीप कर सकता हूँ, जितना डीप चाहूँ उतना ही डीप कर सकता हूँ। जैसे थानोस को आपने सुना है? थानोस को जानते हैं? कौन है थानोस? मार्वल्स का एक विलन। जितना मजा इस दुनिया में तबाही मचाने में है, उतना मजा तो अपने घर पे सोने में भी नहीं। ही मेक्स हिज वॉइस डीपर। आप देखिए अमरीश पुरी, ही हैज वेरी डीप वॉइस। मुकैम्बो खुश हुआ, इट ही नेवर सेड मुकैम्बो खुश हुआ। आप सोचो कोई बोलता है मुकैम्बो खुश हुआ, लगी नहीं था, लग रहा कॉमेडी चल रही है। बट एज यू मेक योर वॉइस डीपर, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर पावरफुल। ये आप समझिए, जितनी पिच आपकी आवाज की धीमी होगी उतनी ही आपकी आवाज पावरफुल नहीं होती है, जितनी डीप वॉइस होगी आपकी उतनी ही अच्छी आपकी आवाज होती है। इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, ज्यादातर लोग अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, नाक का इस्तेमाल करते हैं बात करते वक्त। आप कहोगे सर नाक मुंह का ही तो इस्तेमाल होता है, ये कौन सी नई चीज आप बना रहे हैं? नाक मुंह का वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको पता नहीं है। जैसे बाइक चलानी जिसको नहीं आती है उसको तो लगेगा खाली एस्केलेटर खींचने से गाड़ी भागती है, उसको कहाँ पता है कि कितना तालमेल क्लच और एस्केलेटर और गियर के बीच में होता है, जिसको सीखने में 6-7 महीने चले जाते हैं। मीन्स हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं लेकिन अपनी आवाज़ को यूज़ करना नहीं सीख पाते कभी, अपनी बॉडी को नहीं यूज़ करना सीख पाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सलमान खान है, सलमान खान इज पावरफुल, आवाज़ डीप है, प्लस पर्सनालिटी, वॉक करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आप भले ही फॉर्चूनर से उतरिए लेकिन आपकी चाल ढाल और आवाज़ अच्छी ना हो तो लोग रिस्पेक्ट आपको तब भी नहीं देंगे। तो आपकी पर्सनालिटी में भी दम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, अपनी आवाज़ को डीपर बनाने के लिए हमें करना क्या है? आपने सुना होगा कि कहते हैं सामने वाले का गला बहुत अच्छा है जब कोई सिंगिंग अच्छी कर लेता है, ये नहीं कहते मुंह बहुत अच्छा है, बल्कि बोलने के लिए तो मुंह का ही इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा भ्रम है, जो लोग गले का इस्तेमाल करते हैं बात करते वक्त वो ज़्यादा बढ़िया बातें कर ले जाते हैं, जो लोग मुंह का इस्तेमाल करते हैं बात करते वक्त वो जल्दी जरूर बोलते हैं लेकिन उनकी बातें प्रभावशाली कम होती हैं। सो अपने गले को कैसे एक्टिवेट किया जाए, आप नोटिस करेंगे जितने लोग भी पान या मसाला खाते हैं उनका गला काफ़ी डीप होता है। वाई? और ज़्यादातर सिंगर्स पान खाते हैं, पुराने सिंगर जो होते हैं शास्त्रीय सिंगर वो अक्सर पान खाते हैं। वाला आपने गाना सुना है, बाबुल जो तुमसे पाया तुम्ही ने सिखाया, उनको भारत कोकिला करके कहा जाता था, वो भोजपुरी की सिंगर थी लेकिन सी सैंग इन दैट आल्सो दैट सॉन्ग, एंड उनकी आवाज़ देखिए काफ़ी डीप है क्योंकि वो पान बहुत ज़्यादा खाती थी। अब ऐसा कैसे हो जाता है कि पान खाने से आवाज़ कैसे डीप हो जाती है, कभी सोचा है आपने? अब क्या होता है, पान खाते वक्त इंसान अपना मुंह पूरा बैंड कर देता है, इस तरह से बात करता है। अब जब इस तरह से वो बात करता है तो वो अपने गले का इस्तेमाल करता है बात करते वक्त, उसका मुंह तो पूरा बिजी है, जबान तो पूरी बिजी है, उसके अंदर भरा हुआ वो निकलना है बाहर, ऐसी परिस्थिति में रहता है वो पूरे अपने गले का इस्तेमाल करता है। और दिन में 6-7 बार ऐसी परिस्थिति आती है उसको ऐसे बात करनी पड़ती है, भले ही 2 मिनट के लिए, लेकिन वो बात जब करता है तो एक्सरसाइजेज हो रही है इनडायरेक्टली। और रिक्शे वाले की आवाज़ कभी कभी बहुत बढ़िया होती है, वो कहेगा हाँ भैया कहाँ जाना है आपको बताइए, आपको मैं यहाँ पे छोड़ कर आता हूँ, आवाज़ मज़ेदार। बट हमारी नहीं होती क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप विमल खाना स्टार्ट करें और बोले जुबा केसरी, सो आई विल नॉट एडवाइज यू फॉर डूइंग दैट। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप कोई आना चाहेगा, यू कम 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 हियर, आई विल टेल हाउ टू डू दिस। ओके, व्हाट्स योर नेम? शिवानी। टेल यू देयर मायसेल्फ शिवानी वर्मा। ओके, व्हाट यू आर डूइंग इन एजुकेशन? अभी जस्ट 12th पास किया है, बहुत छोटे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू, एवरीबॉडी विल बी डूइंग, वॉच हर। ठीक है, आपको पेन लेना है और आपके कैनाइन दांत होते हैं जो बाहर नुकीले से निकले हुए हैं उनके पीछे पेन को रख लेना है, रखिए पीछे, हाँ पीछे, हाँ कैनाइन दांत सभी लोग रखेंगे अपने मुंह में, ठीक है, कैनाइन दांत के पीछे, पीछे आगे नहीं पीछे, यस यस, इस तरह से होना चाहिए, आपका मुंह खुला हो, ओंठ पीछे, ओंठ पीछे, हाँ इट शुड गो लाइक दिस, यस। अब हमें बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो, इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई वॉन्ट टू टेल यू आई फील ग्रेट। थोड़ा सा पीछे रखो बेटा इसको, और नहीं हो रहा है, होगा कैनाइन दांत जहाँ पे है आपका, कैनाइन दांत और पीछे लेके जाओ, जब ओंठ थोड़े पीछे जाने चाहिए, कीप इट बैक अ लिटिल बिट मोर, ये वाला जो दांत है, ये वाला जो दांत, हाँ एग्जैक्टली, यू हमें तो सिखाना आपको भी है ना, पीछे और पीछे, पीछे और रखो, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, कीप इट एट बैक और पीछे, कैनाइन दांत पीछे, ये वाला दांत जो है ये जबला थोड़ा पीछे जाएगा, यस यस, यू आर एट राइट प्लेस नाउ, इट इज एग्जैक्टली हियर, सो रिपीट आफ्टर मी, इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, आई फील ग्रेट बिकॉज आई एम बॉर्न हियर, आई लिव इन यूपी, द कैपिटल ऑफ यूपी, The capital of UP is in
लखनऊ. आई लिव इन लखनऊ. लखनऊ इज अ सिटी ऑफ नवाब्स एंड कबाब्स. लखनऊ इज द ओनली प्लेस वेयर वी वियर चिकन एंड ईट चिकन. दिस इज सो अमेजिंग. देयर आर सो मैनी पार्क्स. रिपीट आफ्टर मी. देयर आर सो मैनी पार्क्स like Ambedkar Park, Janeshwar Park, and I have visited those. I like to eat non-veg. That's why every Sunday I go to Tunde Kababi. That is in Old Town with my family. Okay, you come over here. You go have sit for a while. Now keep in your mouth. Do not let it out. हाँ, यू कैन ड्रिंक वाटर. सो कीप इट इन योर माउथ. सो आई विल लेट यू नो मोर अबाउट लखनऊ व्हेन यू विजिट मी. यू गॉट इट. अब इसे होगा क्या, ये ऐसे ही रहेंगे आप थोड़ी देर के लिए. सो व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, ये करेगा क्या, ये जो टेक्निक है ये न्यूज रिपोर्टर्स को, आरजेएस को और एक्टर्स को कराई जाती है हर दिन 2-3 घंटे के लिए. उनको एक पेपर दे दिया जाएगा, आर्टिकल दे दिया जाएगा, कहेंगे इसको पूरा टाइम पढ़ो, मुंह में दर्द हो तब भी. अब इसे होता क्या है कि आपका माउथ पूरा बिजी हो जाता है और आप अपने गले का धीरे धीरे इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं. एक बार आपका गला खुलना स्टार्ट होता है, आपके मुंह से निकली हुई हर बात काफी स्पष्ट और अच्छी लगती है, सामने वाले को समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आती है. आप अटकना बंद कर देंगे, आप सेंटेंसेस को उन्हीं की तरह बोलना स्टार्ट करेंगे जैसे वो लिखे गए हैं. दिस विल हेल्प यू टू एनहेंस योर स्पीच एट वेरी हाई लेवल. यू गॉट इट. प्लीज डू हैव सेट. प्लीज टेक आउट.